हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल मित्र में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि HTML की जो फाइल है उसमें हम इमेज को टेक्स्ट के लेफ्ट राइट में कैसे फ्लोट करवा सकते हैं, कैसे हम इमेज को टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट साइड में सेट करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके दोस्तों, और आप इस वीडियो को फुल देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और आप वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको फिर बीच में जो स्टॉप किए गए हैं, जो फॉर्मूले बताए गए, वो आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। ओके दोस्तों, तो जुड़े रहिए आप हमारी इस वीडियो के साथ। तो जहाँ पे हम सबसे पहले विंडो आर प्रेस करते हैं शॉर्टकट में, और यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके आते हैं। हम जो कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक न्यू फाइल लाते हैं और यहाँ पर HTML की फाइल को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम HTML की फाइल को क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे बॉडी। ओके, एंड नेक्स्ट हम नॉर्मल सिंपल फाइल को एक बार यहाँ पे सेव करेंगे बॉडी को। ओके, एंड यहाँ पे लास्ट में HTML की फाइल को क्लोज कंट्रोल प्रेस किया, और इसमें हम फाइल नेम दे देते हैं फ्लोटिंग इमेज। ओके, तो हमने फाइल को सेव कर दिया और फाइल को हम ओपन करके देखते हैं। हमारे पास विंडो आर प्रेस किया और ये वाली हमारी फाइल है ओपन विद। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फाइल आ चुकी है। ओके, इसमें अभी कुछ भी टेक्स्ट नहीं है, और यहाँ पे हम हेडिंग यूज़ करेंगे, हेडिंग टू। ओके, हेडिंग टू, एंड यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग इमेज, फ्लोटिंग इमेज, हेडिंग टू क्लोज। फाइल चेक करते हैं, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश। तो हमारे पास हेडिंग आ चुकी है। नेक्स्ट जो हम इसमें पैराग्राफ लेकर आते हैं, ओके, वो पैराग्राफ में हम जो इसमें एडिटिंग करने वाले इमेज को फ्लोट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ, ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में ये पैराग्राफ मैं यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर रहा हूँ ताकि अपने जो इमेज है वो अच्छे से फ्लोट करवा सके, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर क्या कुछ किया गया है। ओके, तो हम इसी को कॉपी करके बार बार, ओके, कॉपी किया एंड पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके, कंट्रोल जेड, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके, और यहाँ पे हम स्लैश के साथ पैराग्राफ को कर देते हैं क्लोज। कंट्रोल एस किया, फाइल को चेक करते हैं। ओके, रिफ्रेश, अभी हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। अब टेक्स्ट में हम इमेज को सेट करते हैं, कैसे हम इमेज को फ्लोट करवाते हैं। तो पैराग्राफ में हम यहाँ पे इमेज का फॉर्मूला लगाते हैं, इमेज img src इक्वल डबल कोटेशन एंड क्लोज। अब जो हमारी फाइल है इसी के अंदर आने वाली है। ओके, और यहाँ पे हम इमेज को लेकर आते हैं, इमेज हमारे पास कौन सी पड़ी है वो चेक करते हैं। हमारे पास इमेज ये वाली है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में जाकर फाइल का नेम कर देते हैं सी। ओके, JPG में हमारी फाइल है, कंट्रोल वी किया डॉट JPG। कंट्रोल एस करते हैं, फाइल को चेक करते हैं हमारी फाइल वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ओके, तो हमारे पास जी वाले जो डेस्कटॉप में इमेज थी, लेकिन हमारा जो फाइल है वो हमारी ओके जी ड्राइव में अपने पास पड़ी है। तो हमारे पास जो इमेज है ओके वो देखते हैं, ओके डॉक्यूमेंट इमेज। फ्लोटिंग इमेज, तो हमारे पास यहाँ पे फ्लोटिंग वाला कोई के जी ड्राइव में है। जी ड्राइव में, ओके, तो ऐसा करते हैं हम फाइल को डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं ताकि हमारी जो इमेज है वो डायरेक्ट वहाँ पे शो हो जाए।
डेटा सी एन वी एन एस, तो इसको हम फ्लोटिंग इमेज इसको सेट कर देते हैं डेस्कटॉप पे, ओके सेव। तो अभी जो हमारी फाइल यहाँ पे कंट्रोलाइज करते हैं और फाइल को चेक करते हैं, हमारी फाइल जो नहीं ओपन करते हैं विंडो पे, ओके। तो ये रही हमारी नेक्स्ट फाइल एंड ओपन, हमारे पास इमेज आ चुकी है। अब इमेज को हम कैसे लेफ्ट राइट में सेटअप करते हैं वो चेक करते हैं यहाँ पे, ओके। तो जहाँ पे हम यहाँ सेट कर देते हैं टाइटल को आप यूज कर सकते हैं, एट इक्वल डबल कोटेशन, इमेज का नाम लिख सकते हैं जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट इमेज स्टूडेंट, ओके। एंड नेक्स्ट जो आप स्टाइल में स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन एंड फ्लोटिंग फ्लोट, ओके राइट। एंड जिसकी विथ है सेट कर देते हैं, विथ हमारे पास 42 पिक्सल, ओके। एंड जो इसकी हाइट है, हाइट को भी 42 पिक्सल, ओके। एंड इसको कर देते हैं हम क्लोज, कंट्रोल एस, फाइल चेक करते हैं हमारी, ओके रिफ्रेश। तो अभी जो हमारी फाइल है ये रही हमारी इमेज, इस तरफ लेफ्ट साइड जो हमारी फ्लॉप कर चुकी है, सो राइट साइड। तो अभी जब अगर हम टेक्स्ट के राइट साइड में करवाना चाहें लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी करवा सकते हैं। वो सब कैसे होगा वो हम यहाँ पे करते हैं, इसको कॉपी सेव करते हैं, कॉपी किया एंड पेस्ट कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम वी आर का यूज़ करेंगे ताकि अलग शो हो हमारा पैराग्राफ। जहाँ पे हमने राइट किया था यहाँ पे हम कर देंगे लेफ्ट, कंट्रोल एस किया और हमारी फाइल चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज टेक्स्ट के लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे फ्लोट करवा सकते हैं वो आप इस तरह कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि हमने सीखा कि इमेज को टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट साइड में कैसे फ्लोट करवा सकते हैं। और आपने अभी तक हमारी वीडियो को फुल देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल का आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके दोस्तों।